पार्ट वन, पार्ट टू और अभी हम लोग पार्ट थ्री लॉन्च कर रहे हैं, पार्ट थ्री रिकॉर्ड हो रहा है, सो यू विल गेट पार्ट थ्री आल्सो। पार्ट थ्री में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से लास्ट क्वेश्चन तक पूरा कवर करेंगे, और प्रीवियस पार्ट टू में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 19। अभी क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, सो लेट्स सी कैसा है। सपोज क्वेश्चन है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजियन शोन इन फिगर 15.6। आपके पास एक डाई है जिसे आप लीडो खेलते हैं, कि उस डाई को आप रैंडमली ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। तो वो डाई रेक्टेंगुलर रीजन में आप ड्रॉप करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। अब यही आपका सपोज स्पेस है, मैक्सिमम स्पेस आपका ये है जहां पे आप बैठे हैं खेलने के लिए, और उसमें आप डाई ड्रॉप करते हैं, तो वो डाई इस सर्कल में जाके लैंड करेगी, रुकेगी। जब हम डाई ड्रॉप करते हैं तो डाई क्या होता है, यस, मूव होते हुए आगे बढ़ता है, तो वो यहाँ पे सर्कल के अंदर लैंड करेगी, रुकेगी। उसके कितने चांस है इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो एरिया का हो गया कि टोटल एरिया कितना है और सर्कल का एरिया कितना है जिसमें डाई को रुकना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको एरिया फाइंड करना पड़ेगा, वही हमारा टोटल आउटकम होगा, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन होगा, क्योंकि देयर इज अ चांस कि ये रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं भी रुक सकती है डाई, है ना। सो व्हाट विल डू इज सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन वेर अ डाई कैन लैंड, ठीक है, देयर इज अ चांस कि पूरे रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं भी डाई लैंड कर सकती है, तो पूरा रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया हमको फाइंड करना है। सो लेंथ इज गिवन एंड ब्रेथ इज ऑल्सो गिवन, सो लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, एरिया का फॉर्मूला है हमारा एल इंटू बी। सो लेंथ क्या है हमारा, यस, 3 मीटर इंटू ब्रेथ क्या है, 2 मीटर, तो आपका एरिया क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया जिसमें डाई रुक सकती है, इसमें कहीं भी, ठीक है, इट कैन लैंड एनीवेयर। सो उस डाई को जब आप ड्रॉप कर रहे हैं तो वो सर्कल में ही रुकेगी, उसका कितना चांस। तो ये हो गया आपका टोटल आउटकम, ठीक है ना, आप इसको टोटल में काउंट कर सकते कि ये टोटल एरिया है, तो टोटल आउटकम हो गया, ठीक है, यानी कि टोटल एरिया, ओके। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ताकि सर्कल कितना एरिया कवर कर रहा है, जो हमारा फेवरेबल एरिया है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यस, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहां पे हमको रेडियस तो दिया हुआ नहीं है, डायमीटर दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन नोट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ये गिवन है हमारे पास क्या, लेंथ 3 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर एंड डायमीटर जो है हमारा वो है 1 मीटर पर सर्कल, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर, रेडियस चाहिए आपको, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे क्या, पाई, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर आर स्क्वायर, ब्रैकेट में हम लिखेंगे आर इक्वल टू डी अपॉन टू, दैट इज 1/2, ओके। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4, दैट इज पाई इंटू 1/4 करेंगे तो पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर, यस, ये एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। अब हमारे पास टोटल एरिया है जिसमें डाई लैंड कर सकता है, और हमारे पास एरिया है सर्कल का जिसमें चांसेस है, और हमको उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि आपकी जो डाई है वो सर्कल के अंदर ही लैंड करेगी, उसके कितने चांसेस है, ठीक है। ओके, सो हमने फाइंड किया, कैलकुलेट किया कि टोटल एरिया क्या है हमारे पास, 6 मीटर स्क्वायर, जिसमें एक डाई लैंड कर सकती है, और फेवरेबल एरिया यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या है, यस, पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ डाई विल लैंड इनसाइड
10 सर्कल, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि एक डाई है वो सर्कल के अंदर लैंड करेगी, उसका कितना चांस है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सो व्हाट विल डू इज विल अप्लाई द फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहां पे फेवरेबल एरिया है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारा, पाई ऑन 4, पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में क्या लिखेंगे, यस डिवाइड बाय 6 मीटर स्क्वायर, यानी 6 अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। इसका डिवाइड देखिए हम लोग कितना अच्छे से करते हैं, यहां पे मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, पाई ऑन 4 मीटर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, आपको पहले तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई ऑन 4 मीटर स्क्वायर अपॉन 6 ऑन 1 मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता, यानी प्रोबेबिलिटी मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में नहीं आएगी, ठीक है। सो पाई ऑन 4 अपॉन 6 ऑन 1, सो आपका क्या हो जाएगा, यस आपका पाई ऑन 4 और यहां डिवाइड लिख देते हैं 6 ऑन 1, तो यहां पे क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप पाई ऑन 4 एज इट इज रहेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, 1 ऑन 6 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका पाई ऑन 24, ये प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, यस। अब इसको आप न्यूमेरिकली भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई को रिमूव करके भी आप फाइनली फाइंड कर सकते हैं, पाई की वैल्यू क्या है आपकी 2217, ठीक है, और अपॉन में 24 है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आप नंबर्स में भी फाइंड कर सकते हैं, ये आपका कैंसिल होगा, 211 एंड 212, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 11 ऑन 84 भी आ सकती है, आप पाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 11 ऑन 84 भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर में चाहिए तो, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी मिल गई कि 11 ऑन 84 चांस है कि वो डाई जो है वो लैंड करेगी इस सर्कल के अंदर, क्योंकि सर्कल का एरिया शॉर्ट है और आपका जो टोटल एरिया है वो ज्यादा है, तो बहुत कम चांस है कि वो डाई लैंड करेगी सर्कल के अंदर। ओके ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था कि एरिया के बेस पे क्वेश्चन था, अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, दैट इज एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11, देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, तो एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया है कि उस रीजन में कहां पे क्रैश होगा, ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर रीजन है पूरा और एक लेक है, तो वो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर लेक में ही जाके गिरेगा, उसके कितने चांसेस है, तो यहाँ अगेन एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको उस पोर्शन का एरिया चाहिए, ठीक है ना, जिसमें पॉसिबिलिटी है उस हेलीकॉप्टर के क्रैश होकर गिरने की, ठीक है, सपोज फॉरेस्ट है, जंगल है और वहां पे एक लेक भी है, तो जो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिरेगा वो लेक में गिरने का कितना चांस है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो व्हाट यू नीड इज दैट कवर्ड फॉरेस्ट एरिया, उसका आपको एरिया चाहिए और लेक का जो एरिया होगा वो चाहिए, अगर वो दोनों का एरिया है आपके पास तो फेवरेबल क्या है आपका, लेक का एरिया, तो एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ फॉरेस्ट करेंगे तो आपका इसका भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, यानी एग्जाम्पल 11 इससे रिलेटेड है, तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 20 सीखा उससे रिलेटेड एग्जाम्पल का क्वेश्चन नोट करके उसको सॉल्व करिएगा, एग्जाम्पल्स का ये मीनिंग नहीं होता कि आप उसको देख के लिख लें, क्वेश्चन नोट करो, ट्राई टू सॉल्व इट आउट, नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप सॉल्यूशन की और एक बार देखिए, और उसके बाद कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियोस में, एंड आई विल मेक द वीडियो फॉर द सेम, ठीक है। सो 20 हो गया, उससे रिलेटेड एग्जांपल 11 हो गया, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 22, क्योंकि 21 यस 21 अगेन आपके लिए रखा हुआ है कि आपको उसको सॉल्व करना है और समझना है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस, डाइस के कॉन्सेप्ट पे है, और उसमें स्टार्टिंग में लिख दिया क्वेश्चन नंबर 22 में कि रिफर टू एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल 13 से रिफर करिए, सो मैंने क्या किया है यहाँ पे एग्जांपल 13 का क्वेश्चन नोट कर दिया है, और एग्जांपल 13 को अगर हम लोग समझ लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप सम नंबर 22 बना लेंगे, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट लेट्स सी एग्जांपल नंबर 13। अब एग्जांपल नंबर 13 में क्वेश्चन क्या दिया गया है कि टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे, दो डाइस है, एक ब्लू है और एक ग्रे है, ठीक है। आप लीडो तो खेलते होंगे तो उसमें हम डाइस का यूज करते हैं, ठीक है ना, डाइस के अकॉर्डिंग नंबर्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉइन्स को आगे मूव करते हैं, ठीक है।
सो दो डाइस है, वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम. राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, इज 13 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 12. ये सिंबल है आपका लेस देन और इक्वल टू का, दोनों साथ में है, लेस देन और इक्वल टू 12. ठीक है, तो दो डाइस है, लेट्स मेक इट डाइस. देखिए ये कुछ डाइस हो गया. ठीक है, डाइस पे नंबर्स लिखे हुए हैं, वन लिखा है, टू लिखा है, थ्री लिखा है, इस तरह से सारे नंबर्स लिखे हुए हैं. दो डाइस है. ठीक है, ओके. अब ये दो डाइस है, इसमें भी नंबर लिखे होंगे, यहां पे 4, 5, 6 कुछ भी लिखा हुआ है, टोटल 6 नंबर्स होंगे. यहाँ पे हम 3 तक लिख लेते हैं, यहाँ 4, 5, 6 दिखा रहा हूं मैं, दोनों फेस दिखा रहा हूं डाइस के. ठीक है, अभी ये डाइस जो है वो ब्लू है, ओके, और ये डाइस है वो ग्रे है. अब क्या कहा गया, टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम. राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम. यहां तक देखते हैं पहले. अब दो डाइस है, इसको थ्रो किया गया. ठीक है, अब आप इंडिविजुअली थ्रो करो या एक साथ थ्रो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के आउटकम्स अलग अलग आएंगे या सेम भी आ सकते हैं, हम देखेंगे. अभी मैंने पहला डाइस थ्रो किया, यहाँ पे क्या बोला है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम. चलिए सेम टाइम पे थ्रो कर देते हैं, एट द सेम टाइम डाइस को रोल किया. तो डाइस को रोल किया तो पहली बारी यानी कि ब्लू डाइस पे 1 आया, ठीक है, और इस पे 6 आया. ठीक है, फिर दूसरी बार अगेन रोल किया तो इस पे 3 आया और इस पे 5 आया. तो यहां पे अब हमको इस तरह से रोल करेंगे तो हर बार अलग अलग आउटकम आएगा. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे 2 आएगा और यहां पे 2 आएगा, यानी ब्लू डाइस पे भी 2 आया, ग्रे पे भी 2 आया. तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो सारे हमको लिखने, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. अब सारे आउटकम्स लिखने के लिए हमको पता होना चाहिए कितने आउटकम्स है, ऐसे तो हमको या तो प्रैक्टिकली ट्रायल करना पड़ेगा या तो हम थियोरेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको देखना है कि यार कितनी पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है. तो उसके लिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दे रहा हूं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो एक डाइस है उसकी टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है. अब दो डाइस रोल की जा रही है तो उसको पावर 2 दीजिए, दो डाइस है इसलिए पावर 2, 6 पावर 2, तो आंसर क्या आएगा, यस एग्जैक्टली 36. यानी टोटल आउटकम्स होंगे 36, यानी 36 अलग अलग आउटकम्स आ सकते हैं. वो अभी हम नोट डाउन करेंगे कैसे आएंगे वो. ठीक है, अब दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 6 आया, 3 एंड 5, यानी ब्लू पे 3 आया, ग्रे पे 5 आया, ब्लू पे भी 2 आया, ग्रे पे भी 2 आया. लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे 6 आता है यानी ब्लू डाइस पे 6 आया और ग्रे डाइस पे 1 आया, तो ये जो 1 एंड 6 एंड 6 एंड 1, क्या ये एक ही बात हुई? नो, दोनों अलग अलग बात है. ध्यान रखिएगा ये अलग आउटकम है, ये अलग आउटकम. हाँ, इनका सम एक आएगा, 6 प्लस 1 7 और 1 प्लस 6 भी 7, बट ये दोनों अलग अलग आउटकम है क्योंकि यहाँ पे ब्लू पे 1 आया है और ग्रे पे 6 आया है. यहाँ पे ग्रे पे ब्लू पे 6 आया है और ग्रे पे 1 आया है. पहले ब्लू पे 1 था, यहाँ ब्लू पे 6 है, यानी ये दोनों अलग अलग आउटकम है. क्या है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि ये अलग अलग है. ब्लू डाइस पे 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ ब्लू डाइस पे 6 आ रहा है, तो ये अलग बात हो गई ना. तो 1 एंड 6 एंड 6 एंड 1 आर डिफरेंट आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स वी आर हैविंग आर 36. ओके, सो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं इसको रब करूंगा और हम लोग आगे मूव करेंगे. तो डाइस के बारे में चीजें क्लियर होगी. हाँ, अभी आप ये सोच रहे होंगे अगर एक साथ 3 डाइस को रोल करेंगे तो क्या होगा. तो अगर 3 डाइस को रोल करेंगे तो हर एक डाइस पे आउटकम्स तो 6 है, ठीक है, 3 डाइस को रोल कर रहे तो 6 पावर 3 हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो क्या आएगा, यस. हाँ, ये आपका पावरफुल होना चाहिए, 6 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना. और इस तरह से जितने भी डाइस को रोल करें, और हाँ एक ही डाइस को भी आप 2-3 बार कर सकते हैं. जैसे एक डाइस ले लिया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तीनों के आउटकम लिख लिए, जैसे पहले एक 1 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया,
फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, इस तरह से भी आप आउटकम नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही डाइस को यूज करके या तीनों डाइस को अलग अलग। यहाँ पे 2 डाइस है, एक ब्लू एक ग्रे, और दोनों को सेम टाइम पे थ्रो किया है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, 36, उसको हमें नोट डाउन करना है, राइट डाउन करना है, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट अस राइट डाउन हियर टोटल नंबर। जैसा कि हमने सीखा है कि प्रोबेबिलिटी में यू नीड द टोटल, कि टोटल क्या है, उसके बाद ही आप फेवरेबल फाइंड करके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यहां पे भी हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे ताकि याद रहे आपको, 6 स्क्वायर, 6 आउटकम है एक डाइस में, और 2 डाइस को रोल करें तो 6 पावर 2 हो गया, और यहाँ 36, यानी टोटल आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है 36 की, वो किस तरह से। अब हम इसको एक ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, और हाँ आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, यही रिजल्ट्स आएंगे। चलिए, सो लेट अस राइट डाउन, कि पहले हम देख लेते हैं कि 1 एंड 1 आएगा, यानी दोनों डाइस पे 1 आएगा, ठीक है, फिर 1 एंड 2 आएगा, देन 1 एंड 3, 1 एंड 4, 1 एंड 5, 1 एंड 6, यानी कि ब्लू वाली डाइस पे समझ लीजिए कि 1 आया है, तो इस पे ग्रे पे भी 1 2 3 4 5 6, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 आने का चांस है। इस तरह हम देख लेते हैं 2 के साथ, क्योंकि हम लोग अगर बीच में से लिखेंगे, इधर उधर एक अरेंज फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो कुछ चीजें मिस हो सकती है, तो हम एक फॉर्म में लिख रहे हैं कि 1 के साथ सारे नंबर, 2 के साथ सारे नंबर, और इसी तरह हम सारे नंबर्स ले लेंगे। 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 2 एंड 4 कैन कम, ये पॉसिबिलिटीज है, 2 एंड 5 आ सकता है, 2 एंड 6 आ सकता है, एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, सो यू मस्ट पे अटेंशन, है ना। अब 2 के बाद नेक्स्ट है 3, 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2, 3 एंड 3, 3 एंड 4, 3 एंड 5, 3 एंड 6, ठीक है। अब जैसा कि हमने अभी लिखा था 1 एंड 6 लिखा था, वो आ गया यहाँ पे, फिर हमने एक लिखा था अभी 2 एंड 5, तो ये रहा, वो भी आ गया। अब हम बीच बीच में से लिखेंगे तो कुछ चीजें मिस हो सकती है, इसलिए मैं एक अरेंज फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ 1 के साथ सारे नंबर्स, 2 के साथ, 3 के साथ, इसी तरह हम नोट करेंगे 4 एंड 1, 4 एंड 2, 4 एंड 3, और आपको अब समझ में आ गया होगा, अब आप सारे नंबर्स लिख लेंगे, आई होप सो, 4 एंड 5 हो गया, 4 एंड 6, अगेन 5 एंड 1, 5 एंड 2, 5 एंड 3, वेरी गुड, एंड 5 एंड 6। अब 6 की बारी है, लास्ट वन, 6 एंड 1, 6 एंड 2, 6 एंड 3, 6 एंड 4, 6 एंड 5, 6, 6। अब देखिए यहां पर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है, और यहां कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 36। अब जब आप 2 डाइस को रोल्ड करेंगे, आप 1000 टाइम्स रोल्ड कर लो, जितनी बार रोल्ड करना है, इसी में से कोई एक आउटकम आएगा, इसके अलावा और कुछ भी आ ही नहीं सकता है, इसके अलावा ये 36 आउटकम्स के अलावा कुछ और नहीं आ सकता, क्योंकि डाइस पे मैक्सिमम 6 नंबर है, ठीक है ना, 6 से ज्यादा 7 तो है नहीं डाइस पे, 6 नंबर द मैक्सिमम। और दूसरी बात कि हर एक के साथ मैंने हर नंबर को पैरिंग कर दिया, यहाँ 1 के साथ सारे नंबर्स रख दिए, 2 के साथ, 3 के साथ, तो यहाँ सारे जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स है वो सारे कवर हो गए। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है क्या, प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पॉसिबल आउटकम्स नोट हो गए। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, डाइस के टॉप पे, ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, सम ऑफ 2 नंबर, यानी डाइस पे जो 2 नंबर आए हैं उसका सम, यानी के प्लस,
टोटल उसका 8 होगा, उसके कितने चांस है, ठीक है। सो टोटल आउटकम तो है ही हमारे पास स्टैटिस्टिक, अब हमको जिसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है उसके फेवरेबल आउटकम ढूंढने, कि हम 8 के फेवर में, कि सम 8 आएगा, सम यानी टोटल 8 आएगा। देखिए 1 प्लस 1 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे 8 आएगा, 2 एंड 5 भी 7 आएगा, यस 2 एंड 6, सो सम इज 8 है ना, यही हम लोग का टारगेट था। 2 एंड 6 इनको प्लस करेंगे तो 2 प्लस 6 8 आएगा, 3 एंड 5 मैंने यहाँ पे नोट भी किया है कि एक डाइस पे 3 आया ब्लू पे और ग्रे डाइस पे 5 आया, तो भी टोटल 8 होगा। तो सम 8 लाने के लिए हमारे पास कुछ पैटर्न है, देखिए उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे आना है 3 एंड 5 8, नेक्स्ट 4 एंड 4 8, 5 एंड 3 8, 6 एंड 2 8, यानी हर रो में हमको एक नंबर मिल रहा है और एक पैटर्न से मिल रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम 1 एंड 6 यानी 1 प्लस 6 7 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्लस 2 8 मैक्सिमम। सो हमारे पास ऐसे कितने आउटकम्स है जिसका टोटल क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है ना, यही हमारा टारगेट है। सो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम दैट इज द सम ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8 आर, ठीक है। ऐसे कितने आउटकम्स है जिनका सम 8 हो रहा है, सो इक्वल टू आएगा, तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं ब्रैकेट में कि ऐसे आउटकम्स कितने हैं। सो यू कैन सी 2 एंड 6, देन 3 एंड 5, नेक्स्ट यू कैन सी 4 एंड 4, नेक्स्ट इज 5 एंड 3, एंड द लास्ट वन इज 6 एंड 2, यू कैन सी द पैटर्न। सो इसको काउंट करते हैं कि ऐसे कितने आउटकम्स हैं, तो 1 2 3 4 5, सो यहां पे हमको मिल गया 5, ठीक है। टोटल ग्रैंड टोटल तो है ही हमारे पास 36 ओवरऑल, जिसमें से 5 आउटकम्स हैं जिसके फेवर में हम लोग है कि टॉप ऑन द डाइस जो आएगा सम करने पे वो 8 आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, द सम एज 8 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारा 5, और टोटल आउटकम क्या है, यस 36 है ना कि 8, ठीक है ना, 8 तो सम आना चाहिए, टोटल आउटकम्स 36 आउट ऑफ दिस। सो यही आपकी प्रोबेबिलिटी है, दिस वन इज योर आंसर 5 1 36। ओके नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी, नेक्स्ट वन क्या है 13, ठीक है, सम 13 आना चाहिए, जैसे यहां पे 8 आया वैसे 13 आना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट, बाद में नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। और ये सिर्फ स्टैंडर्ड 10th के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बाकी क्लास वालों के लिए भी जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है कॉन्सेप्ट तो यही होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, बट अभी जो हम सॉल्व कर रहे हो एक्सरसाइज क्लास 10 की ही है एनसीईआरटी। नाउ व्हाट वी नीड इज, वी नीड सेकेंड में कि सम 13 आना चाहिए, ठीक है। सो अब यहां देखते हैं कि 13 आने की पॉसिबिलिटीज कहां पे है, 1 प्लस 1 तो 13 नहीं होगा, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 5 11, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्सिमम व्हाट यू कैन गेट इज 6 एंड 6 हाईएस्ट, तो ब्लू पे 6 आया, ग्रे पे भी 6 आया, तो 6 प्लस 6 क्या होगा, यस 12 होगा। सो व्हाट वी राइट डाउन इज कि हियर द मैक्सिमम सम, यानी कहने का मतलब कि यहां पे 13 पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम ही 12 आ रहा है, उससे तो सब कम ही आएंगे, 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 6 10, मैक्सिमम व्हाट विल कम इज 12, सो 13 आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, सो इम्पॉसिबल इवेंट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ये इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल है। सो ऐसे इवेंट जो इम्पॉसिबल होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यस 0 एग्जैक्टली। तो हियर द मैक्सिमम सम पॉसिबल इज
सिक्स प्लस सिक्स दैट इज ट्वेल्व, ठीक है। सो ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर कि 13 है, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम इज जीरो और टोटल आउटकम 36 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 13 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम जीरो, टोटल आउटकम 36, जीरो ऑन 36 आंसर इज जीरो। सो विल राइट डाउन कि इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, सो द प्रोबेबिलिटी इज जीरो। गॉट इट? सो 13 आने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। क्या है थर्ड वन? एग्जाम्पल ही हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। क्या है लेस देन और इक्वल टू 12? थर्ड वन लेस देन और इक्वल टू 12। अब देखिए यहां पे सम जो आएगा वो सम लेस देन 12 होगा तो भी चलेगा, इक्वल टू 12 होगा तो भी चलेगा। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे यहां पे? दैट इज द सम इज लेस देन और इक्वल टू 12। अब सम करेंगे तो लेस देन 12 आएगा वो सारा चलेगा। लेस देन 12 यानी आपका क्या हो गया? यस, सम कौन सा चलेगा? सम करने पे अगर 1 आए, 2 आए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड इक्वल टू 12 भी बोला है तो ये सारे नंबर्स अगर आते हैं सम करने पे तो चलेगा। तो यहां तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 4, 5, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 3 9। ये तो सारे के सारे आउटकम्स इसके फेवरेबल हो गए क्योंकि लेस देन 12 में सारे नंबर्स है जिसका सम लेस देन 12 आएगा और 12 भी चलेगा तो 6 प्लस 6 12 भी मैक्सिमम हो गया। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए यहां पे हमारे? यस 36 हो गए। टोटल आउटकम्स कितने हैं? वो भी 36 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज लेस देन और इक्वल टू 12 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो फेवरेबल आउटकम 36, टोटल आउटकम 36, सो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? यस 1 आ जाएगी। एग्जैक्टली 36 ऑन 36 कैंसिल हो गया, सो आंसर इज 1। यानी कि ये तो सर्टेन इवेंट है, किसी भी इवेंट को उठा लो, किसी को भी प्लस कर लो, इससे सूट करेगा, इसके फेवर में ही आएगा। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी 1 आएगी कि सर्टेन इवेंट है, ठीक है। गॉट इट? ओके, सो द सम हैज बीन कंप्लीटेड एंड वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वन।